नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार राय फ्रॉम इलाहाबाद आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल आपके मन में थे जो भी मैं अपने वीडियोस डालता था। कुछ तो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे और बहुत से छात्रों का सेम क्वेश्चन होता था कि क्या सर, जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो भर्तियाँ होंगी उसमें क्या उर्दू अनिवार्य है? मुझे तो उर्दू नहीं आती है, लेकिन क्या इसमें उर्दू लिखा है, इस वजह से कहीं मैं डिसक्वालीफाई ना हो जाऊँ? तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने 2-3 दिन रिसर्च किया और सारी चीज़ें मैंने जो भी पुख्ता सबूत थे मैंने इकट्ठे किए और आज मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या ये उर्दू वाली बातें सही हैं कि जो लिखा हुआ था जिनको उर्दू नहीं आती तो क्या वो उर्दू की वजह से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये बिल्कुल बात गलत है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो पहले ज़माने में चलती थी, तो उसमें उर्दू का प्रचलन अभी भी, अगर आप वाद विवाद कोई मुकदमा अगर किसी घर में कोई लड़ रहा हो या कुछ हो, तो अगर आप रिट की कॉपी उठा के देखिए तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो उर्दू के शब्द बहुत यूज होते हैं। जो अहलमद हो गया, अमीन हो गया, तो ये सारे शब्द उर्दू के होते हैं। तो पहले जो वैकेंसियाँ होती थी, जो पहले इससे पूर्व कई सालों पहले, तो सारा काम उसमें उर्दू में भी होता था। तो कुछ पोस्टें ऐसी थी जिनके लिए उर्दू की नॉलेज मांगी जाती थी, वो भी अधिमानी। अगर आपको उर्दू की नॉलेज है तो फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे हमारे अगर रिलीजन की बात करें तो जैसे हिंदू भाई हो गए और मुस्लिम भाई हो गए, तो हिंदू भाई में जो भी होते हैं तो वो तो अलिफ बे ते तो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी जो एक सांस्कृतिक भाषा सकते हैं वो संस्कृत होती है, और जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो वो उनको उर्दू पढ़ते हैं, तो उनकी जो कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ है वो भी उर्दू में है। तो इस हिसाब से, और हमारे उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है, पहली राजभाषा तो आपकी हिंदी है और द्वितीय राजभाषा आपकी उर्दू है, ये भी आज जान लीजिए। तो इसके कारण तो सारे केसेस कुछ कार्य उर्दू में भी होते हैं, सारे वर्ड्स है, तो उर्दू के जानकारों की ज़रूरत पड़ती थी कि हम अगर कोई लेटर, कोई उर्दू में लेटर आ गया, क्योंकि उर्दू भी एक राजकीय भाषा है, तो उस लेटर को हम किससे पढ़वाएँ। तो इसलिए कुछ विशेषज्ञ रखे जाते थे, जैसे मैंने आपको अपने कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया तो उसमें मैंने बताया कि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने जॉब को क्विट की, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ये जनपद कौसाम्बी इलाहाबाद के बगल का ज़िला है, मैंने वहाँ पे सर्विस की है, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे ब्लॉक में भी उर्दू अनुवादक, उर्दू ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है थी। तो हर ब्लॉक में, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ BDO कार्यालय होता है, जहाँ पर आपके खंड विकास अधिकारी बैठते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। तो उर्दू का कोई विशेष इसमें रोल नहीं है और मैं आपको ये प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले बात तो करते हैं कि ये जो आपकी हाईकोर्ट ऑफ एडजुडिकेटर की जो भर्ती निकली है, जो जिसकी ज्वाइनिंग आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, उर्दू का कन्फ्यूजन है, तो ये पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए सन 2014 की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट, ये मैंने आपके सामने खोला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्टार्ट डेट 5/9/2014 और इसके बाद ये डेट्स दी हुई है। फिर उसके बाद जाइए पोस्ट देखिए, जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी, पेड अप्रेंटिस कैटेगरी सी, जिसमें उस समय 2341 अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट निकली हुई थी, और ग्रेड पे 5200 से 20200, और इनकी जो 2000 ये था रखा गया था जूनियर असिस्टेंट का, उस समय ये फिक्स था। उसी प्रकार से पेड अप्रेंटिसशिप की भी 20200 ग्रेड पे 1900 ये फिक्स स्केल था। ये 2014 की भर्ती की बात करें, और सारे रिजर्वेशन जो भी यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी के स्थायी निवासी हैं उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगी। और यहाँ देखिए जैसे वुमेन, कई हमारी महिला छात्रों ने, फीमेल स्टूडेंट ने भी काफ़ी क्वेश्चन किए कि क्या सर, जो फीमेल की मेरिट जाएगी क्या वो सबके बराबर होगी? जी नहीं, फीमेल की मेरिट, अगर जनरल की मेरिट जाएगी उसके वनस्पत 5 से 8 अंक या 10 अंक जो भी होगा उससे वो नीचे रहेगी, क्योंकि आप लोग को है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो वुमेन के लिए कुल टोटल की अगर बात करें, यहाँ पर ये देखिए 2341 सीटों के सापेक्ष आपका 20% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा। इसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, ये हो गया आपका 5%। फिजिकल चैलेंज इनके लिए, स्पोर्ट्स मैन के लिए, तो हमारे एक दर्शक हैं अवधेश जी जो ESM है, एक्स सर्विस मैन है, उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि सर क्या मेरिट कितनी जा सकती है। तो
अवधेश जी, यहाँ देखिए आप लोगों के लिए 5% की सीट ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व है, क्योंकि आप लोग एक्स सर्विस मैन है, आप लोगों ने आर्मी में सेवा दी है, देश के लिए सेवा दी है, तो कुछ यहाँ फर्ज बनता है। तो ये गवर्नमेंट का भी है कि अगर आप वहाँ से रिटायर होके आते हैं तो यहाँ भी आप अपने फ्यूचर को वो कर सकते हैं सिक्योर यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं, ये देखिए 2014 की जो वैकेंसी है, और इसका भी देखिए जो सेम क्राइटेरिया है कैटेगरी पोस्ट सी की, जो आपकी यहाँ पे विज्ञापन निकला था उसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विथ अ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय डोएक सोसाइटी, और 25-30 वर्ड्स का यहाँ भी मेंशन है। सेम क्राइटेरिया जो वहाँ था यहाँ भी है। इंटरमीडिएट भी देखिए आपका विथ ट्रिपल सी और 25-30 मांगा गया था। तो ये बात हो गई आपके 2014 के विज्ञापन की बात। और यहाँ देखिए पहला तो जो पेपर भी आपका 100 मार्क्स का उस समय भी हुआ था, जिसमें आपकी यही चीज़ें थी, 90 मिनट था वहाँ भी, और 25-30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, जिसके लिए 25 मार्क्स फॉर हिंदी और 25 मार्क्स फॉर टाइपिंग। तो सेम विज्ञापन, उस समय जो विज्ञापन रखा गया था सेम वही विज्ञापन है। तो यहाँ देखिए अब इस साल की 2017 के विज्ञापन की तुलना कर लीजिए, तो इसमें देखिए ये एक अंतर आप देखेंगे, जो वहाँ जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 2000 थी, ग्रेड पे 2000 थी, यहाँ आप देखेंगे ये ग्रेड पे देखिए, ग्रेड पे 2000 यहाँ फिक्स बताया गया है, लेकिन वहीं आपकी 2017 की वैकेंसी में ग्रेड पे आपका फिक्स नहीं है, समय के अनुसार ये बढ़ता रहेगा। तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि 2014 और 2017 की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेड अप्रेंटिसशिप का 1900 फिक्स है, और इस वर्ष 2017 की भर्ती में भी पेड अप्रेंटिसशिप का 1900 फिक्स है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपका जूनियर असिस्टेंट में किया गया। और उसके बाद विज्ञापन की शर्तें सारी चीज़ें आपकी वही हैं। या अब देखिए यहाँ पे 20% 2, 5, 3, 1 रिजर्वेशन पॉलिसी वही चीज़ें, उसके बाद आपका जो भी स्किल टेस्ट होगा वो आपका दिया गया है। और आपका जो ये देखिए ये पद है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सी में भी कई टाइप के पद होते हैं, जैसे अमीन ग्रेड सेकेंड कैटेगरी कॉपीस, आपका हो गया असिस्टेंट अकाउंट, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, एडमिन क्लर्क, ठीक है, रनर टाइपिस्ट, और इसकी भी योग्यता वही रखी गई थी। दूसरा पेड अप्रेंटिसशिप, ये भी आपकी सेम योग्यता है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पर आपकी जो पे स्केल था वो फिक्स था, यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली समय के अनुसार आपका बढ़ेगा। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था दोस्तों कि मेरे एक मित्र हैं विवेक कुमार जी, जिनका 2014 में सिलेक्शन हुआ था, और इस समय वो बांदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी ज्वाइनिंग है, जूनियर असिस्टेंट में उन्होंने ज्वाइन किया था, और इस समय वो सीनियर असिस्टेंट हैं। तो मैंने उनसे कल फ़ोन से बात की कि ये क्या उर्दू क्या आप लोग के लिए वहाँ पर अनिवार्य होती है, तो उन्होंने कहा जी नहीं भाई साहब, मैंने तो आज तक कभी उर्दू पढ़ी ही नहीं, अलिफ बे ते तो मैं जानता तक नहीं हूँ, तो मुझे कैसे नौकरी मिल गई। तो दोस्तों ये अफवाह है या भ्रामक है, अगर आपके मन में डाउट है कि उर्दू का टेस्ट हमारा होगा तो वो उर्दू का टेस्ट आपका नहीं होगा, अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए, भय निकाल दीजिए, बस आप अपने टाइपिंग पे फोकस करिए। और मैंने उनसे पूछा कि ये जो अमीन ग्रेड हो गया, कॉपिस्ट हो गया, ये पद क्या क्या है, इनके वर्क क्या है, तो उन्होंने अपने जो न्यायालय से उनकी जो कह सकते हैं जॉब चार्ट कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, तो कुछ किताबों की फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप की हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए ये आपका है, यहाँ पर देखिए मैं आपको सीरियल से दिखा दे रहा हूँ, देखिए वर्क ऑफ अमीन, देखिए अमीन का क्या काम होता है, अमीन का काम ये होता है कि सिविल कोर्ट अमीन बिसाइड्स बीइंग एम्प्लॉयड टू कंडक्ट सेल्स अंडर चैप्टर आपका जो भी रूल 174 मेंशन है इनके सर्विस बुक में, इनके कार्य क्या है, टू एग्जामिन विटनेस, ठीक है, फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो ये आप विटनेस की एग्जामिनिंग करना, लोकल इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद टू एग्जामिन अकाउंट्स बही खाता, टू मेक पार्टीशन, फिर है इन मेकिंग अटैचमेंट अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये सारे रूल्स हैं, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, मैं स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, आप इसका पढ़ लीजिए, और इसका अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो वो भी अनुवाद कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पूरे शब्द पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक तरीके से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं अपने वीडियो में आपको प्रस्तुत करता हूँ वो मैं पहले पूरी रिसर्च करता हूँ कि क्या ये सही है क्या नहीं है, कि ऐसे ही उठाकर आपको दे दिया कि नहीं चलिए ठीक है कोई बता दो, आपको देखने से मतलब है कौन मेरे पास आ रहा है मुझे मारने या पीटने या मेरे ऊपर क्लेम करने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से ये प्रचलन आपके यूट्यूब पे मैंने एक मुहिम चलाई है, और जो लोग भी अफवाह फैलाते हैं वो उसको बंद करें और पुख्ता सबूतों के साथ आएँ,
क्योंकि मेरे दो तीन वीडियो से आपके जो अदर जिनको आप फॉलो करते थे वो चैनल्स वाले बहुत बौखलाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें खलबलाहट मची है कि ये बंदा कैसे क्या कर रहा है। तो मेरे ऊपर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो ये मुहिम चलाया हूँ कि यूट्यूब को आपको सच्ची नॉलेज, जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भी वैकेंसीज की परफेक्ट जो भी चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको देता रहूँगा। बस आप मेरा इसी तरह से सहयोग करते रहें, मेरा उत्साह वर्धन करते रहें, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ये देखिए अमीन का हो गया। इसके बाद देखिए ये उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी थी, तो इनकी उंगलियां भी आ गई हैं यहाँ पे, मैंने क्रॉप नहीं कर पाया, क्रॉप नहीं किया। फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पद वहाँ कॉपिस्ट का है, कॉपिस्ट क्या करता है, ये देखिए सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय वेस्ट होगा आपका, वेस्ट होने का मतलब कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब देखिए जो टाइपिस्ट होते हैं उनको क्या है, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इज फिक्स फॉर टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट, उनके काम भी फिक्स हैं। जो इंग्लिश टाइपिस्ट होगा उसको 6000 वर्ड्स पर डे की टाइप वहाँ पे करनी ही करनी है जो भी मैटर होगा। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 5000, इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए 3500, हिंदी कॉपिस्ट के लिए 3500। तो देखिए कितना वर्कलोड है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ही क्लर्क नहीं होगा, कई क्लर्क होते हैं, कई पोस्टें होते हैं, तो 10 से 15 क्लर्कों की भर्ती होती है। हर क्लर्क का अपना यूनिक काम होता है, ये नहीं होता कि एक ही बंदे को सारे काम सौंप दिए गए और वो काम के बोझ तले दब गया। तो ये सारे काम हैं। फिर उसके बाद ये देखिए अगला जो पोस्ट है उसमें मेंशन है आपका मुनसरीम्स ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेंट्स। प्लेंट्स मतलब जो होता है आपका मुकदमा, वाद विवाद होता है, उसकी रिस्पेक्ट में क्या क्या करना है, तो ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बकायदा इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं ये देखिए मैं आपको क्लियर दिखा दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए ये ऑन द बैक ऑफ ऑल प्लेंट्स, सभी विवादों जो भी वाद विवाद आते हैं उसके बैक में मुनसरिम करता क्या है, मुनसरिम करता क्या है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, मुकदमे की जो डेट होती है, नेम ऑफ प्रेजेंटर, किसने पेश किया उस वाद विवाद को, प्रस्तुत करता कौन है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइट, उस वाद विवाद का क्या प्रकार है, कोर्ट फी पेड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए अगला जो सबसे मोस्ट टॉपिक है कि जो डाउट बना है पेड अप्रेंटिसिस का, तो देखिए जो पेड अप्रेंटिसिस होती हैं जो पोस्टें वो संख्या के हिसाब से बहुत कम होती हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि 100 पोस्ट अगर क्लर्क की है तो आपकी 25 या 35 पोस्ट ही पेड अप्रेंटिसशिप की होगी, इसलिए इसकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस बार कुछ सुनने में आया है कि नहीं थोड़ा बढ़ाई गई है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा चिंता ना करिए, बस अपनी टाइपिंग पे फोकस करिए। जो भी आपका भरा होगा आपने पेड अप्रेंटिस के लिए या जेई के लिए, तो वो पोस्ट अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपको मिलेगी। देखिए पेड अप्रेंटिसशिप क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ, आप पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये भी है क्लेम्स ऑफ अप्रेंटिस पोस्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पहले मेरे चैनल के बारे में देखिए कि मैं किस तरीके से आपको पुख्ता सबूतों के साथ जो भी न्यूज़ होती है वो मैं दिखाता हूँ, ना कि अफवाहों में कि भैया कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, कॉल रिकॉर्डिंग तो मैं भी किसी व्यक्ति को लगा लूँ, हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, सर ये बताइए कि सर क्या उर्दू का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज़ें आप कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको ये पूरी चीज़ें पुख्ता सबूतों के साथ मैं ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी, उसके बाद आप देखिए, अब चलिए बात करते हैं, पहला तो हमने वहाँ देख लिया, अब इसके बाद कंपेरिजन करते हैं कि क्या रिजल्ट। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बहुत से संशय थे लोगों में, कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे। कट ऑफ देखिए 2014 की जो वैकेंसी थी, ये बिल्कुल हाईकोर्ट की अथेंटिक वेबसाइट है, मैंने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ थी आफ्टर टाइपिंग, वो कट ऑफ पिछली बार देखिए कितनी गई थी, जनरल के लिए 97.77, ओबीसी के लिए 92.03, एससी के लिए 82.41, एसटी के लिए 62.39, और सब कैटेगरी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो जो फ्रीडम फाइटर थे 61.21, पीएच के लिए 76.99, स्पोर्ट पर्सन इतना, वुमेन। अब देखिए जो वुमेन्स के सवाल थे, वुमेन्स फीमेल्स कैंडिडेट के मेरे जो सवाल थे, उन्होंने काफ़ी फीमेल्स कैंडिडेट का, जैसे अलका जी हैं या नीतू जी हैं, इन्होंने जो पूछा
कि सर क्या फीमेल की कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, तो यहाँ देखिए कितना भारी अंतर है। 97.7 जनरल कट ऑफ की बात करें और उसके बाद वुमेन कट ऑफ की बात करें, तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस बार भी क्या इसका रेशियो होने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक कितना इसका अंतर आ रहा है, भारी अंतर आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। तो फीमेल जिनके नंबर अच्छे हैं वो टाइपिंग में पूरा फोकस करें, पूरी तरीके से लग जाए, उनका बहुत ही सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। दो तीन ऐसी कैंडिडेट हैं जो मेरे चैनल पर कमेंट करती हैं और बोलती हैं सर मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मैं उनको 100% गारंटी देता हूं कि आप टाइप कर लिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपकी एक सीट पक्की है। तो यहां देखिए टाइपिंग से डाउट, और अवधेश जी जो एक्स सर्विसमैन के, अवधेश जी 40.27। अब आप सोच लीजिए कि 40.27 तो कोई रिटर्न में भी निकाल लेगा तो भी उसका नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है, ये फाइनल लिस्ट है आपकी, टाइपिंग के बाद ये लिस्ट है कि एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली भी चली जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, अगर योग्य अभ्यर्थी उस जितनी सीटें रिजर्व हैं उसके अनुसार अभ्यर्थी नहीं मिलते, जैसे 5 सीटें हैं तो 2 मिले तो 3 खाली चली गई, तो यहाँ पर आपको अवधेश जी चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं आपका, ये देखिए लिखा क्लिक हियर टू व्यू मार्क्स ऑफ रिटन ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर टाइप टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ इनके नंबर्स भी दिखा देता हूँ कि देखिए लोग कहते हैं कि टाइपिंग में कितना नंबर है। अगर मैं एक छात्र ने नेगेटिव कमेंट किया कि सर आप सबको कहते हैं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि सभी जो पेपर हुआ था जिनका 85 के ऊपर नंबर होगा वही सिलेक्ट होंगे अगर, और 70 या 75 वालों को पूरी तरीके से डीमोरलाइज कर दे रहे हैं वो कि आपका कुछ नहीं होगा, आप टाइपिंग के लिए क्यों परेशान हैं। तो मैं यहाँ देखिए मैं लाइव इसकी डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेसिंग चल रही है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ये डाउनलोड होगा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरा उनका जो संदेश है कि 85 तो मैक्सिमम लड़के 85 तो नहीं पाए होंगे, आपकी 1786 पोस्ट है तो 85 तो 100 में बहुत हो जाता है। तो जो मैंने एक कट ऑफ से लेकर संबंधित रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से देख लीजिए। देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ बात करते हैं, जैसे पहले देखिए सीरियल नंबर पर रोल नंबर ये है और प्रीति पाठक जी, ठीक है, इनका नाम प्रीति पाठक जी है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, प्रीति पाठक। तो प्रीति पाठक जी ये फादर्स नेम है, देखिए इन्होंने 72 नंबर पाए थे और टाइपिंग में देखिए इंग्लिश में 24.36, 25 में 24.36, हिंदी में 22.94, टोटल इन्होंने गेन किया 47.30 नंबर, 30 नंबर टाइपिंग में, तो इनकी मेरिट 119.30 हो गई। उसी प्रकार से देखिए ये नाम दिया हुआ है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके, ये मैं आपको इसीलिए पूरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं कोई अकोरी अफवाह नहीं फैलाता हूँ। तो यहाँ पर सब आप टाइपिंग के मार्क्स सबके देख सकते हैं कि कौन कितने छात्र, अगर देखिए ये 69 इन्होंने पाया है तो, लेकिन टाइपिंग में 46 पाया तो 115 इनका हो गया मेरिट में ये आ गए। और वहीं बात करें तो जैसे कोई बंदा, जैसे आप कहते हैं कि हाईएस्ट नंबर है तो इसमें आप छाँट सकते हैं, देखिए कि टाइपिंग में कैसे मार्क्स मिले हैं। अब देखिए ये 48.58 मोहम्मद वाहिद जी जो हैं कोई हैं, इनका सिलेक्शन हुआ था, 61 नंबर इनके रिटर्न में थे, और उसके बाद 24-23 पॉइंट को समथिंग 48.58 ये नंबर इन्होंने पाया। तो ये देख लीजिए ये इस तरीके से टाइपिंग में इनको नंबर मिले थे। तो ये मैं आपको एज ए एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो पूरी प्रक्रिया को मैं ऑब्जर्व करने के बाद ही, पुख्ता होने के बाद ही मैं बताता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए योगेंद्र कुमार सिंह जी हैं, तो जनरल की मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पर जो दिखाए थे कि कितनी गई थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो योगेंद्र कुमार सिंह जी का देखिए 57 नंबर इन्होंने पाया था रिटर्न में, 25 फुल मार्क्स इनको मिले टाइपिंग में, यहाँ थोड़ा चूक गए, लेकिन इनका 49.56 नंबर हुआ और 106.56 नंबर पाकर ये इन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया अपना। तो जो भी स्टूडेंट 70-75 करके जिनको डीमोरलाइज किया जा रहा है कि सर मेरा तो नहीं होगा, बहुत से लोग कहते हैं, तो मेरी उनकी यही सलाह है कि बस आप टाइपिंग पे फोकस करिए, आपके जो नंबर थोड़े इधर कम हैं आप टाइपिंग में अचीव कर लीजिएगा तो आपके सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो देखिए बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों, उर्दू की नॉलेज को अपने मन से बिल्कुल अफवाह है निकाल दीजिए। मेरे मित्र वहाँ सर्विस कर रहे हैं, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं इनको अपने YouTube चैनल पर आपके सामने लाऊंगा और उनसे उनके भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या कार्य होता है, कैसे क्या होता है। ये देखिए सारी चीज़ें, अगर आप वीडियो को पॉज करके एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिसिस आप कर सकते हैं, ये सब मैं इसीलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने कि कैसे पिछला जो था सारी चीज़ें अंतर थोड़े बहुत अंतर हुए हैं, लेकिन है तो प्रोसेस वही सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे ग्रेड पे का है और मैक्सिमम छात्रों का आज जो डाउट है मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गया होगा कि सर मुझे उर्दू नहीं आती। एक कोई कुशवाहा जी हैं, मुझे पूरा नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि सर मुझे थोड़ी बहुत तो उर्दू की नॉलेज है लेकिन मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, तो मैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा, उर्दू की चिंता आप ना करिए, उर्दू का आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, बस थोड़े बहुत जो वर्ड चलते हैं इसके लिए वहाँ पे एक विशेषज्ञ रखा जाता है कि उर्दू हमारे जो राजकीय भाषा है यूपी की दूसरे नंबर पे, पहली हिंदी है, तो कोई लेटर आता है तो उर्दू के पढ़ने का, उर्दू को पढ़ के वो कोई भी वहाँ पर क्लर्क समझ सके कि इनकी क्या शिकायत है और इन्होंने क्या इसमें लिखा है। किसी दूसरे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भैया उनको बुला दो और इनका हम अनुवाद करा दें। तो यहाँ पर देखिए ये मार्क्स हैं, तो ये बहुत सारे मार्क्स हैं, और जैसे अगर आप मैं दिखाऊं इसमें तो देखिए, अब देखिए कुछ माइनस मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे माइनस मार्क में देखिए आपका इन्होंने 51 पाया था, कोई रविकांत दुबे जी हैं, इंग्लिश तो इन्होंने ले ली, ठीक है, निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हिंदी देखिए, इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग टाइपिंग हो जाती है। इंग्लिश तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेंगे लेकिन वहाँ पर हिंदी की इनकी दिक्कत होती है, तो -7.81। अब देखिए ये मिस्टर सॉरी दीप्ति श्रीवास्तव है, फीमेल है, और इनकी इंग्लिश की टाइपिंग देखिए 24.34 नंबर, लेकिन हिंदी में ये -1.97 गई हैं। तो ये ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को पे विश्वास बनाए रखिए, चैनल को रेगुलर देखते रहिए, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा जब तक कि मैं संतुष्ट ना हो जाऊँ, मैं कोई न्यूज़ पब्लिश नहीं करूँगा। और जो लोग निगेटिव कमेंट 2-3 दिन से मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। आप निगेटिव कमेंट करके अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे जो करना है मैं करूँगा, और समय आने पर इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा कि अपने दोस्तों में अभी तक आपके जो भी फ्रेंड सर्किल हैं और हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ, 1.5 महीना हुआ है मुझे अपना चैनल शुरू किए हुए, लेकिन इतना प्यार इतना सहयोग आप लोगों से मिल रहा है। तो अगर आप उनको भी नॉलेज देंगे, मेरे लिंक को शेयर करेंगे, तो उनको भी बहुमूल्य जानकारी और बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे द्वारा मिलेगी, जिससे उनकी भी शंका का समाधान हो सकता है। तो इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरा अगला वीडियो मैं लाऊंगा वो मैं बोर्ड पे आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा कि टाइपिंग के कैसे नंबर काउंट होते हैं, कैसे बैक स्पेस होता है, नेट वर्ड क्या है, ग्रॉस वर्ड क्या है, बस उसके लिए 2-3 दिन तैयार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।